कोई डाउट है आपको? चलो कोई डाउट नहीं है आपको, तो आप अनावश्यक माइक ऑन मत किया करो, ठीक है? डाउट हो तभी आप माइक ऑन करके पूछ लिया करो, ऐसे माइक ऑन मत किया करो, ठीक है? तो चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, है ना? और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ रखा है? पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ा था भिन्न। क्या क्या चीजें पढ़ा था हम लोगों ने? भिन्न पढ़ रखा है और भिन्न का प्रकार पढ़ रखा है। भिन्न का प्रकार पढ़ रखा है, ठीक है? तो मैं एक बार रिवीजन करा देता ताकि आपको याद रहे हमने क्या पढ़ रखा है। भिन्न पढ़ रखा है, ठीक है, और भिन्न का प्रकार पढ़ रखा है। और भिन्न के प्रकार में मैंने आपको बताया था तीन प्रकार के प्रकार होते हैं इसका भिन्न के। कौन कौन? एक होता है उचित भिन्न, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा होता है हम लोगों के बीच अनुचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बोलते हैं अनुचित भिन्न। और तीसरा होता है हमें मिश्रा भिन्न। तो आज हम लोग मिश्रा भिन्न को बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मिश्रा भिन्न को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना? चलो अब तीनों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है? चलो जैसे कि उचित भिन्न बहुत ही सरल बताया था, बहुत ही सरल बताया था। जैसे कि अंश जो होता है हर से छोटा होता है, हर से छोटा होता है ना? और अनुचित भिन्न जैसे इसका उल्टा, यानी अंश क्या होता है? हर से बड़ा होता है। अंश क्या होता है? हर से बड़ा होता है ना? चलो और मिश्रा भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न और पूर्ण संख्या, उचित भिन्न और पूर्ण संख्या को मिलाते हैं तो मिश्रा भिन्न बन जाता है। पूर्ण संख्या मिलाते हैं क्या बनता है? मिश्रा भिन्न बन जाता है, ठीक है? चलो जैसे एक एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान दो। जैसे मान लो 3/4, तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ऊपर वाला मतलब अंश क्या है? हर से छोटा है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा है उचित भिन्न। अनुचित क्या होगा? इसका उल्टा, जैसे 5/4, तब ध्यान दो इसका अंश क्या है? हर से बड़ा है। यानी अगर अंश हर से बड़ा होगा तो उसे कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे उसे? अनुचित भिन्न। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग अनुचित भिन्न। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। उसे कहेंगे हम लोग अनुचित भिन्न। अब रही बात मिश्रा भिन्न किसे कहेंगे, चलो देख लेते हैं। मिश्रा भिन्न, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। तो पूर्ण संख्या ये हो गया और ये हो गया उचित भिन्न। 3/1/2 ये हो गया हमारा मिश्रा भिन्न। 3/1/2 ये हो गया हमारा क्या? मिश्रा भिन्न। आगे समझ में? इस प्रकार भिन्न का कितने प्रकार हो? एक हो गया पहला आपका उचित भिन्न, दूसरा हो गया अनुचित भिन्न, और तीसरा हो गया आपका मिश्रा भिन्न, है ना? उचित भिन्न क्या होता है? अंश छोटा होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश बड़ा होता है। और मिश्रा भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न और पूर्ण संख्या मिलकर बनता है। तो ये मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया था। अगर आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ में, तो जल्द से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, जल्द से आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आगे ना समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे। हम लोग अपना क्या करते हैं? होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपना होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो जल्दी निकालेंगे सारे बच्चे। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में होमवर्क दिया था प्रश्न वाले 13.1, 13.1। जल्दी से आप इस प्रश्न वाले को निकालिए अपने बुक में। कौन सा बुक? आपका न्यू कार्यक्रम वाले में, ठीक है? और किस प्रकार से पूछना है तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब पूछना, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है? अगर डाउट होगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। अगर आपको डाउट है तो आपको टाइप करना है, नहीं डाउट है कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू 13.1। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर वन में कौन सा प्रश्न डाउट है? क्वेश्चन नंबर वन में बहुत सारे प्रश्न है, ए बी सी डी ई
एफ जी एच, इनमें से कौन से प्रश्न में डाउट है? चलो मैं एक बताता हूं तब आपको समझ में आए, ध्यान दो। चलो ध्यान से देखेंगे, चलो ध्यान देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला, आपको ध्यान से देखो कि माइनस छ और माइनस पांच, अच्छा बीसीडी में देख लेते, चलो पहले हम यही देख लेते, ठीक है। माइनस छ और माइनस पांच में कौन बड़ा है? तो चलो एक एज्यूम कर लेते, देखो मान लो ये आप हो और मान लो ये हम है, है ना, ध्यान से देखेंगे। अब बताओ कि आप मुझसे कर्जा ले रहे हो, आप मुझसे कर्जा ले रहे हो, तो पहला बार आप कर्जा लिए माइनस छ रुपया, कितना रुपया कर्जा लिए? छ रुपया कर्जा लिए, ठीक है। और दूसरी बार आपने कर्जा लिया पांच रुपया, आप बताओ कि किस समय आपने कम कर्जा लिया? दूसरी बार कम कर्जा लिया, यानी जो कर्जा में कम होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। तो बताओ यहाँ पे बड़ा कौन होगा? यहाँ पे बड़ा होगा माइनस पांच। और हमने ये भी बताया था, और हमने ये भी बताया था कि संख्या रेखा पे जो दाएं तरफ आता है वो बड़ा होता है। जैसे मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे हम देखना किसको है, हमें देखना है पांच को और छ को, तो कौन दाएं तरफ है? दाएं तरफ वाला बड़ा होता है बाएं तरफ के तुलना में, तो दाएं तरफ कौन है? पांच है, तो पांच बड़ा हो जाएगा छ के तुलना में। आगे सुनने, चलो उसी प्रकार एक बच्चे का डाउट है, कौन सा? प्रश्न संख्या बी में, है ना। चलो देख लेते हैं, प्रश्न संख्या बी देख लेते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। क्या दिया है? माइनस तीन और जीरो। देखो यहाँ पे है माइनस तीन और यहाँ पे है जीरो, कौन से दाएं तरफ है? तो माइनस तीन आपका बाएं तरफ है और जीरो क्या है? आपका बाएं तरफ है। अब आप यहां से भी देख लो, तीन रुपया आप कर्जा ले रहे हो और जीरो रुपया का मतलब आप कुछ भी कर्जा नहीं ले रहे हो, कौन से बढ़िया है? जीरो रुपया कि आपने कर्जा नहीं लिया, यानी कौन बड़ा होगा? माइनस तीन और जीरो में कौन बड़ा होगा? जीरो बड़ा होगा, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार बताओ सर बच्चे, माइनस टू और माइनस चार में कौन बड़ा है? माइनस टू और माइनस चार में कौन बड़ा है? जो दाया तरफ आता है नंबर लाइन पे, जो दाया तरफ आता है वही बड़ा होता है, कौन बड़ा है? माइनस दो बड़ा है। आगे समझने, चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या दो, ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो का ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन से प्रश्न डाउट है? अच्छा सी में डाउट, चलो देख लेते हैं, चलो सी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो सी देख लेते हैं, देखो सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है माइनस छ और चार के बीच की दूरी। अच्छा बी, बी में डाउट, माइनस छ और चार के बीच में दूरी बहुत आसान है, सिंपली आपको क्या करना है? सिंपली आपको, अच्छा उसी देख लेते, चलो ध्यान दो, देखो सिंपली आपको क्या करना था? सिंपली आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना था, और नंबर लाइन पे देखो जीरो, फिर एक दो तीन चार, और इधर देखो इधर क्या है? माइनस छ, तो माइनस वन माइनस दो, बहुत बच्चे उत्तर दे रहे, माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच और माइनस छ। चलो हमें क्या देखना, हमें देखना सर माइनस छ से और चार के बीच की दूरी। हमें दो तरीके बताया था मैंने आपको, पहला मेथड सिंपली यहां से लेकर यहां तक एक, फिर यहां से लेकर यहां तक एक, यहां से लेकर यहां तक एक इकाई मात्रक, यहां से भी 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 एक इकाई मात्रक और यहां से भी एक इकाई मात्रक। इस प्रकार हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। चलो जोड़ो सबको, जब जोड़ेंगे सबको तो कितना मिलेगा? चलो जोड़ो, एक एक दो, दो एक तीन, तीन एक चार, चार एक पांच, पांच एक छ, छ एक सात, सात एक आठ, आठ एक नौ, नौ एक दस, दस इकाई मात्रक, दस इकाई मात्रक क्या हो गई? हमारी दूरी हो गई। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि जो दाएं तरफ आता है वो हमेशा बड़ा होता है, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं, यानी चार में से क्या करेंगे? छोटा वाला घटा दो, माइनस छह को घटा दिए, तो देखो क्या मिलेगा? चार माइनस माइनस प्लस, ये गया दस इकाई मात्रक। तो ये आपका दूसरा तरीका भी मैंने आपको सिखाया था, दस इकाई मात्रक दूरी या दस मात्रक दूरी, ये आपका दूसरा तरीका था और ये आपका पहला तरीका था। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को दोनों तरीके आते हैं और दोनों तरीके से उन्होंने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। कर लिया आपने इस प्रश्न को सॉल्व? चलो जल्द से आपने अगर इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, जल्द से आप इस पेज से स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो, जल्द करेंगे। चलो ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 14.1, प्रश्नवाली 14.1, प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो,
अच्छा प्रश्न संख्या एक में आउट, बहुत ही सरल, देखो काउंट कर लो, एक दो तीन चार, तो जो जितना होता है तो देख लो कितना होगा, नीचे लिखेंगे चार। अब इसमें से कितना को रंगा गया है, तो एक भाग को रंगा गया है, तो एक हो गया ऊपर, यानी यहाँ हो गया एक बट्टा चार। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, तो अंश हो गया एक, हर हो गया चार। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या चार, कोई डाउट नहीं, प्रश्न संख्या एक दो तीन चार, कोई डाउट नहीं ना, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, अच्छा चार मिनट देखो, चार तो और से देखो, ध्यान दो, ध्यान से करेंगे, देखो ध्यान दो, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, तो टोटल कितना है, टोटल है चार। और चार में से देखो कितना को रंगा गया है, दो को रंगा गया है, तो ये हो गया दो बटा चार, तो यहाँ हो गया दो, यहाँ हो गया चार, अंश हो गया दो, हर हो गया चार। आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, इसी प्रकार प्रश्नवाली 14.2, हमें कॉलम ए का मिलान कॉलम बी के साथ करनी है। चलो प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या चार, प्रश्न संख्या पांच, चार में डाउट है, चलो देख लेते हैं। अच्छा चार पांच दोनों में डाउट, चलो देख लेते हैं, दोनों देख लेते, चलो दोनों देख लेते हैं। ठीक है, चलो दोनों देख लेते हैं, इसको मैं क्या करूं, थोड़ा सा जूम करते हैं, तब और अच्छे से आपको दिखे। ठीक है, चलो ध्यान दो, देखो क्या करते हैं, चलो इसको पहले काउंटिंग करते, देखो देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, टोटल कितना है, दस, टोटल हो गया दस, टोटल कितना हो गया, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इसके बगल में ही लिख देते हैं दस। और इसमें से कितने को रंगा गया है, आठ को रंगा गया है, तो आठ लिखिए, आठ बटा दस किसके साथ मिलान होगा, ई के साथ मिलान हो जाएगा, है ना। चलो ठीक, उसमें प्रश्न संख्या पांच भी देख लेते, चलो देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, टोटल कितना है, टोटल आठ है, और आठ में से कितना को रंगा गया है, छ को रंगा गया है, यानी हो गया छ बटा आठ। चलो देख लेते हैं किसके साथ मिलान होगा, चलो देख लेते हैं किसके साथ मिलान होगा, छह बटा आठ कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो किसके साथ मिलान होगा, बी के साथ। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या पांच भी हो गया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल हेडर कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल हेडर कर दीजिए। आगे समझ में, चलो। और हमने पिछली क्लास में आपको उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न सिखाया था। तो मैं फिर से लिख देता हूं, ध्यान दो, मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था उचित भिन्न, अनुचित जिसे कहते हैं विषम भिन्न भी, अनुचित मतलब जिसे कहते हैं विषम भिन्न भी, अनुचित भिन्न, और क्या सिखाया था, मिश्र भिन्न, और क्या सिखाया था, मिश्र भिन्न, है ना। ये मैंने तीनों चीजें सिखा दिया और तीनों का एक एक मैंने आपको उदाहरण भी सिखा दिया है ना। चलो तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि भिन्नों को क्या हम लोग आपस में बदल सकते हैं, जैसे कि क्या हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदल सकते हैं, क्या हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदल सकते हैं। क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है कि क्या हम भिन्नों को आपस में बदल सकते हैं, जैसे विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं बदल सकते हैं तो एन टाइप करो। क्या हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं बदल सकते हैं तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को पता, हाँ बदल सकते हैं। तब हम लोग वही सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में या कैसे हम लोग मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्या हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बदल सकते हैं, तो हाँ हम लोग मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में या विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से बदलते हैं, चलो वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। और उसको सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिविजन कराता हूँ, और वो कौन सा रिविजन है ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने जब आपको भाग पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था, क्या, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने
भागफल जोड़ शेषफल, क्या होता है? भाज्य भाव होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, देखो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ये होता है भाज्य बराबर, है ना। अब ये मैंने आपको कैसे प्रूफ करके दिखाया, तो चलो आज मैं एक बार फिर से प्रूफ करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। देखो अगर मैं बोलू 7 का पहाड़ा में 15 से भाग दे दो, 7 में 15 से भाग देता हूँ, ठीक है, 15 में 7 से भाग दे दो, भाग दो, कैसे बनेगा? 7 एकम 7, है ना, कितना है? ये आएगा कितना है बताओ, 7 दूनी 2 बार में जाएगा ना कि 1 बार में जाएगा, कितना बन जाएगा? 2 बार में। 7 दूनी 14 कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे भाज्य क्या है, बताया सर बच्चे चैट में, यहाँ पे भाज्य क्या है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, यहाँ पे भाज्य क्या है, मतलब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, क्या है? 15। भाजक क्या है? भाजक है 7। भाजक क्या है? 7। भागफल कितना है? भागफल है 2। भागफल कितना है? 2। और शेषफल कितना है? शेषफल है आपका 1। शेषफल है आपका 1। यानी मैं आपको ये किस लिए सिखा रहा हूं, ताकि अगर आपके पास, सिंपली यहाँ पे 15 दिया हुआ रहता, यहाँ पे 15 दिया हुआ रहता, जैसे भाज्य, हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो हम सिंपली क्या करते हैं, भाजक का गुना करते हैं, भाजक क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 गुने भागफल लिखते हैं, भागफल क्या है 2, जोड़ लिख देते हैं शेषफल, जोड़ लिख देते हैं शेषफल। यानी अगर सिंपली 15 दिया गया है, यानी 15 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 गुने 2 प्लस 1 कहाँ से आया, तो हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमने 15 को लिखा है, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। और आपको ये समझ में आ गया किस प्रकार से मैंने लिखा है, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपको 15 को किसके बराबर लिखने की कोशिश किया है, 15 को मैंने कोशिश किया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है, तो इसी के टर्म में मैंने लिखने की कोशिश किया कि 15 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 2 जोड़ 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये कैसा, इसको ऐसा क्यों कर रहे हो, तो चलो उसको बताने से पहले एक बार जल्द से आप चैट को वाई टाइप कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग जानने के लिए इच्छुक हो कि क्यों मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, जल्दी करेंगे, चलो यानी इच्छुक है, चलो देख लेते हैं, तो ध्यान दो, देख ले क्यों मैं ये बता रहा हूँ। तो जब हमें विषम भिन्न को, मतलब कि अनुचित भिन्न को मिश्रा भिन्न में बदलना होता है, तो हम लोग वही कंसेप्ट यूज करते हैं जो हमें पता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17/8 को हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। तो चलो सबसे पहले ये बताओ कि 17/8 हमारा विषम भिन्न है, तो वाई टाइप करो, विषम भिन्न बोलते हैं अनुचित भिन्न को, क्या अनुचित भिन्न है, तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। सबसे पहले बताओ 17/8 हमारा विषम भिन्न है, तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हमारा विषम भिन्न है। क्यों है? क्योंकि देखो हमें पता है, कि अगर ऊपर वाला बड़ा होता है, तो उसे कहते हैं विषम भिन्न, अगर वही ऊपर वाला छोटा होता है तो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं अनुचित, नहीं उचित भिन्न। जो ऊपर वाला बड़ा होगा उसे कहेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, है ना। इस प्रकार 17/8 क्या है, हमारा विषम भिन्न है, और हमें इसको किसमें बदलना है, और हमें इसको बदलना है मिश्रा भिन्न में, और हमें इसमें किसको बदलना है, हमें इसको बदलना है मिश्रा भिन्न में, ठीक है, किसमें बदलना है, हमें इसको बदलना है मिश्रा भिन्न में, किसमें बदलना है, मिश्रा भिन्न में, ठीक है। तो चलो मिश्रा भिन्न में बदलने का मैं तरीका सिखाता हूँ, जिन बच्चों को पता है क्या होगा मिश्रा भिन्न, जल्द से चैट ऑप्शन वाइट इसका मिश्रा भिन्न टाइप करेंगे, अगर नहीं पता है तो ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे, जिनको पता है बच्चे इसका उत्तर टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक
चलो ध्यान से देखो किस प्रकार से करते हैं, ध्यान दो। तो जो मैंने अभी आपको सिखाया, क्या सिखाया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। देखो यहाँ 17/8 है, तो क्या करते हैं 8 में से 17 में भाग देते हैं। चलो भाग देते हैं, 8 × 2 = 16, क्या हो गया शेष 1 बच गया। यानी आप बताओ कि हम 17 की जगह क्या लिख सकते थे, हम 17 की जगह लिख सकते थे भाजक गुने भागफल। तो लिखो भाजक गुने भागफल, जोड़ क्या होता है, जोड़ नीचे होता है शेषफल। यानी हम लोग यहाँ पे 17 का जगह क्या लिख देंगे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। 17 जगह क्या लिख देंगे, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब बट्टा में क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। बट्टा में क्या लिख देंगे, बट्टा में लिख देंगे 8 लिख देंगे। बट्टा में क्या लिख देंगे, बट्टा में लिख देंगे 8। अब क्या करना, अब हमें इसे अलग अलग करना है। जैसे लिखना है इसको 8 × 2 / 8, जैसे इसको हम लोग अलग कर दिया और इसको हम लोग अलग कर देंगे, ऐसे करके अलग अलग कर देंगे। ठीक है चलो कर देते हैं। फिर हो जाए यहाँ पे 1/8। ठीक है, फिर देखो, फिर आप ध्यान से देखो, यहाँ से 8 से 8 कट गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 2 जोड़ 1/8। और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ 2 × 1/8, जो कि हमारा मिश्राभिन है, जो कि हमारा क्या है, मिश्राभिन है, जो कि हमारा क्या है, मिश्राभिन है। यानी यहां से हमने क्या सीखा, यानी यहां से हमने ये सीखा कि जब हम लोग विषम भिन्न को हमने किसमें बदल दिया, हम लोगों ने मिश्राभिन्न में बदल दिया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WY टाइप करो। ठीक है, जल्दी करेंगे। ठीक है देखो, अब देखो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा सा बड़ा प्रोसेस का उपयोग करना है, आपको मैं डायरेक्ट मेथड भी सिखाता हूँ। ध्यान दो कि अगर कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि जैसे 17/8 को हमें चेंज करना है किसमें, मिश्राभिन्न में, तो देखो क्या करना है, सरल भाषा में याद रखना है, 17 को भाग दे दो किससे, 8 से भाग दो, 8 × 2 = 16, यहाँ हो गया शेषफल, यहाँ हो गया क्या, शेषफल। तो याद रखो याद रखो याद रखो, हमेशा याद रखो कि नीचे तो हमारा 8 ही आने वाला है, नीचे तो हमारा क्या आने वाला है, 8 ही आने वाला है। रही बात की यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पूर्ण संख्या और यहाँ पे होता है उचित भिन्न वाला। ध्यान दो यहाँ ऊपर हमेशा आता है शेषफल, यहाँ ऊपर हमेशा क्या आता है, शेषफल, और यहाँ पे आता है आपका भागफल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आता है आपका भागफल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आता है भागफल और यहाँ पे भागफल कितना है, भागफल है 2, भागफल क्या है 2, और यहाँ पे क्या आता है ऊपर, ऊपर आता है शेषफल, और शेषफल कितना है, शेषफल 1। तो 2 × 1/8, 2 × 1/8, ये हो गया हमारा मिश्राभिन्न, ये हो गया हमारा मिश्राभिन्न। आगे समझ में, आगे समझ में आपको, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WY टाइप करो। अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WY टाइप करो। चलो ठीक, उसी पे अगर सारे बच्चे बताएंगे, एक प्रश्न और यहाँ पे है, मान लेते हैं 19/9। अब बताओ सारे बच्चे क्या होगा इसका मिश्राभिन्न, ध्यान से अब बताओ सारे बच्चे इसका मिश्राभिन्न क्या होता है, 19/9 बताओ सारे बच्चे इसका मिश्राभिन्न क्या होगा। सबसे पहले हम भाग देंगे 19 में, भाग दो 19 में, भाग दो 9 से, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, शेष कितना है 1 आया। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा है नीचे जो रहता है वही रहता है, नीचे 9 का 9 रखेंगे, बचा हुआ क्या होगा, यहाँ पे जो है भागफल रहता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे होता है भागफल और ऊपर क्या होता है, ऊपर हमेशा याद रखो क्या होता है, ऊपर हमेशा होता है शेषफल, ऊपर हमेशा क्या होता है शेषफल। तो अब बताओ, चलो एक एक करके बताओ बसा बच्चे की भागफल की जगह क्या रहेगा, भागफल की जगह क्या रहेगा, देखो यहाँ पे भागफल क्या है, यहाँ भागफल है 2, यहाँ हो गया 2 है ना, बताओ सर बच्चे शेषफल की जगह क्या होगा, शेषफल कितना है, शेषफल 1। तो ये हो जाएगा 1/9, यानी 19/9 को क्या लिखेंगे, 19/9 को लिखेंगे 2 × 1/9, 2 × 1/9। आगे समझ में,
चल अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से अब क्या करो, एक और क्वेश्चन सुनो और एक, बाबा अपना माइक को, इसे जिनका भी माइक होता है माइक को जोनी बंद कर दो। कुमार जोनी कुमार का नाम मैम क्लास, क्लास। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को ना? चलो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो सही बच्चों क्या करना, यहां तक मैंने सारी चीज सिखा दिया, सही बच्चों क्या करना ध्यान दो। देखो मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे जो आता है वो आता है भागफल, और यहाँ पे जो आता है वो आता है शेषफल, और जो नीचे तो जो है भाजक वही होता है, जो जो ये नीचे है वही क्या, वही है ना सिंपली। और हमें पता है कि जो भागफल होता है वो पूर्ण होता है, और जो शेषफल होता है वो अंश होता है, और जो भाजक होता है वो हमारा हर हो जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में व्हाइट अप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया है आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में व्हाइट अप कर दो। आ गया समझ में? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या था, ये हमारा था विषम भिन्न अनुचित भिन्न, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मिश्र भिन्न, ये हमारा बन गया मिश्र भिन्न, है ना, ये हमारा बन गया मिश्र भिन्न। ठीक है, जो कि सही बच्चे को समझ में आया किस प्रकार से करना है। चलो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, प्रश्न बोला है 11/60 जो कि हमारा विषम भिन्न है इससे हम लोगों को मिश्र भिन्न में बदलना है, इस समय किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो चलो जल्दी से सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पहले कॉपी में बनाएंगे फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेक्शन करेंगे। चलो सारे बच्चे पहले इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में बनाएंगे फिर जाकर पोल सेक्शन उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल है, सिंपली आप भाग दो, सिंपली आप भाग दो। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भागफल, ठीक है, ऊपर लिखते हैं हम लोग शेषफल, सिंपल भाषा में याद रखना है, और नीचे हम लोग लिखते हैं भाजक, भाजक मतलब जिसे भाग दे, सिंपली है नीचे है भाजक, इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो चलो आप उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। ठीक है, चलो आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करो, ध्यान से उत्तर करेंगे ध्यान से। ठीक है, चलो 25 बच्चों में से 7 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, लास्ट 40 सेकेंड, 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड, 25 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। चलो तो जल्दी करेंगे सब बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 26 बच्चों में से अभी तक मात्र 13 बच्चों ने किया है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोल रहा है कि 11/7 जो कि विषम भिन्न है इससे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, 26 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है, कृपया करके बचे हुए बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही सरल है। 7 में किससे भाग देना है, 11 से भाग दो। 7 में किससे भाग देना है, 11 में 7 से भाग देना। चलो भाग दो, 7 एकम 7 कितना है, शेष आएगा 4। बहुत ही सरल है, जो सबसे पहले आपको ये उत्तर पहचानना है तो सबसे पहले ये देखना रहता है कि जो इसमें नीचे रहता है ना वही इसमें भी नीचे आता है, इसका हिसाब से ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया, या तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्योंकि इसके नीचे तो वो 4 दिया था, यानी ये ऐसे ही गलत हो गया था। क्योंकि हमें याद क्या है कि जो इसके विषम भिन्न के नीचे रहता है वही हमारा मिश्र भिन्न के भी नीचे
रहता है, मतलब हर हमारा बराबर रहता है। ठीक है, अब रही बात अंश का, तो ध्यान दो जब भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आता है वो पूर्ण बन जाता है, यानी भागफल क्या है, भागफल हमारा एक और शेषफल कितना है, शेषफल हमारा चार। तो क्या बना, एक पूर्णांक चार बट्टा सात। लेकिन देखो ऑप्शन भी में यहाँ चार दिया है, यानी ये भागफल नहीं है, भागफल तो एक है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके देखो यहाँ पे तो सही दिया है, इन दोनों में तो देखो सही दिया, लेकिन हमें शेषफल इसमें दो दे दिया, लेकिन शेषफल हमारे पास कितना बच रहा है, चार बच रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम लोग विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे ना समझ में आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर बच्चों, आगे ना समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत आसान है। ठीक है, और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, चलो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा था कि सर मैंने तो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में, मतलब कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया, क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने किसी से क्या किया, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया जाए, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सके, हाँ ऐसा हो सकता है। तो चलो हम लोग वो भी सीख लेते हैं, चलो हम लोग वो भी सीख लेते हैं, बहुत ही सरल है, चलो बहुत ही सरल है, हाँ बदल सकते हैं, बहुत ही सरल है। देखो एक प्रश्न के माध्यम समझते हैं, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया गया है फोर पूर्णांक दो बट्टा तीन, फोर पूर्णांक दो बट्टा तीन। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया, क्या ट्रिक बताया, ध्यान दो, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बोलो, ठीक है, विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न बोलो, और मिश्र भिन्न में मैंने आपको एक चीज कॉमन बताया, क्या कि दोनों का जो हर होता है, जो दोनों का जो हर होता है वो बराबर होता है, हर बराबर मतलब जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तीन है तो विषम भिन्न का भी हर कितना होगा, तीन होगा। अब रही बात ऊपर वाला चेंज होता है, चलो देख लेते हैं ऊपर वाला किस प्रकार से चेंज होता है। देखो बहुत ही सरल तरीका बताते हैं, बहुत ही सरल तरीका बताते हैं, ध्यान दो, नीचे वाला जो है और ये जो हमारा पूर्ण संख्या है इसमें हम लोग गुना करते हैं, और गुना करने के बाद जो आता है, गुना करने के बाद जो आता है उसका हम क्या करते हैं, इसके साथ ऊपर वाला के साथ जोर करते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो नीचे वाला का गुना क्या, पूर्ण संख्या से चार से तो गुना करो चार गुने तीन, अब इससे जो आएगा उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग ऊपर वाला के साथ जोर करेंगे, तो जोर दो, ये हो गया जोर दो। तो देखते हैं क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास चार यानी बारह, जोड़ दो कितना मिल गया बट्टा तीन, तो बारह दो कितना हो गया चौदह बट्टा तीन, चौदह बट्टा तीन। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चलो एक बार फिर से रिपीट करो, ध्यान दो कैसे करते हैं, ध्यान दो कैसे करते हैं, सबसे पहला तब क्या करना है, नीचे वाला से लेकर ये जो आपका पूर्ण भाग होता है उसे गुना करो, कितना आएगा चार तियाई बारह, कितना आया बारह आया, और जो ये आता है इसका जोर कर देते हैं ऊपर वाले के साथ, तो बारह दो जोड़ दो कितना जाएगा चौदह, कितना जाएगा देखो यहाँ पे चौदह आ गया, कितना गया चौदह आ गया, चौदह बट्टा तीन, ये हो गया हमारा विषम संख्या विषम भिन्न, ये हो गया हमारा विषम भिन्न आ गया। देखो इस प्रकार से हम लोग मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। बहुत बढ़िया जल्दी करेंगे, आगे समझ में ना, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, चलो इसी से समझ, हम दो तीन प्रश्न कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी समझ जाएंगे किस प्रकार चेंज कर दो। चलो एक प्रश्न देखो यहाँ पे सात दो तीन, तो हमें सबसे पहला क्या देखना था, सबसे पहले हमें देखना था कि जो मिश्र भिन्न का हर होता है वही हमारा विषम भिन्न का हर होता है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो इसके बाद क्या करना है,
जो नीचे का हार है इसके साथ गुना करो, तो 7 3 21 जो आएगा उसका क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ जोड़ेंगे, तो 21 2 21 2 कितना होगा 23, सही हो जाएगा 23/3, कितना सरल है ना। चलो ठीक उसी प्रकार से बताओ सर बच्चे, सर बताऊंगा 8 4/3, चलो इसका उत्तर सर बताएंगे 8 4/3, सारे उत्तर बताएंगे, जो नीचे होता है तो वो तो नीचे होगा ही, जो नीचे हो तो नीचे होगा ही, उसके बाद क्या करना है सिंपली इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा तो 8 3 24 जो आता है उससे ऊपर वाले में जोड़ दो, तो 24 जोड़ 4 कितना होगा 28/3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार से प्रश्न और कर लेते हैं यहीं पे, 3 9/2, नहीं ऐसे नहीं करते, चलो दूसरा कर लेते हैं 3 1/2, चलो बताए सर बच्चे क्या मिलेगा 3 1/2, बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बहुत ही सरल बहुत बढ़िया, नीचे दो तो नीचे दो सिंपली इसको गुना करो 3 2 6, इन दोनों गुना करेंगे क्या मिलेगा, जब इनको इनको गुना करेंगे क्या मिलेगा 3 2 6, 6 का जब ऊपर से जोड़ेंगे क्या मिलेगा 6 1 7, कितना मिलेगा 7/2, 7/2, आगे समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में डब्लू टाइप कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में डब्लू टाइप कर दो, आगे ना। तो ये था हमारा विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका, ठीक है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में, इन दोनों का गुना करेंगे और जो आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ 12 है 12 को जोड़ देंगे 2 के साथ कितना 14 मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपको यह समझ में आ गया तो देखो आपके स्क्रीन में एक प्रश्न दिया गया है, 4 3/7 को हमें बदलना है किस में, विषम भिन्न में, और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत होगा, ठीक है। चलो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे, कहां करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। चलो टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही होना चाहिए, मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया क्या कि विषम भिन्न हो या मिश्र भिन्न हो दोनों का डिनोमिनेटर हर हमेशा बराबर होता है, तो हम लोग हर देश के भी बहुत सारे ऑप्शन को गलत मार सकते हैं, गलत टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतना तो हिंट काफी आपके लिए, 28 बच्चों में से 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया, चलो 7 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, 28 बच्चों में से 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, 13 बच्चों ने कर दिया, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या दिमाग था कि विषम भिन्न हो या मिश्र भिन्न हो दोनों का हर हमेशा बराबर होता है जब हम दोनों को एक दूसरे में बदलते हैं, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, ठीक है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं 25 बच्चों में से 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है, चलो बाकी बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, कहां पे करना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलो 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 40 सेकंड जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, लास्ट 20 सेकंड, और आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, लास्ट 10 सेकंड, हाँ मंजू देवी नाम से जो बच्चे जान के, बाबा आपको कोई डाउट है, डाउट है तो पूछ लो, लास्ट 5 सेकंड, मैं क्या करता हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले कोशिश कीजिएगा कि सारे बच्चे जो है ना पोल सेक्शन उत्तर जरूर करें, है ना। चलो 5 4 3 2 1, देखो बहुत ही सरल, देखो मैंने पहला क्या ट्रिक बताया आपको, मैंने पहला ट्रिक बताया
पहला ट्रिक बताया कि जो भी हर होता है हर को हम लोग सेम रखते हैं। साथ हो गया इस प्रकार पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया है। चलो अब आके आते हैं अगला ऑप्शन। देखो सात का गुना होगा चार के साथ, तो सात चौका कितना हो गया 28, और 28 का जोड़ किसके साथ होगा ऊपर वाला स्थान, जोड़ो 28 और 3 कितना होता है 31, तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 28 का जोड़ होता है ना कि घटाव होता है, क्या होता है जोड़ होता है ना कि घटाव होता है, आगे समझ में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलो तो इस प्रकार ये था भिन्न। अब मैं सारे बच्चों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को एलसीएम आती है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन और ऑपरेशन मतलब संक्रिया है, जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग किसका पढ़ने वाले हैं भिन्न का पढ़ने वाले हैं, और भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं सबसे पहले सिखाना चाहता हूँ एलसीएम। जिन जिन बच्चों को एलसीएम आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो आप टाइप कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिन जिन बच्चों को एलसीएम आती है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, मतलब सभी बच्चों को आती है। चलो तो मैं आपको दो तीन तरीका, मैं पहले आपको लॉन्ग कट मेथड सिखाऊंगा, मतलब पूरा अच्छे से सिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जिसके माध्यम से कितना भी बड़ा संख्या हो अगर उसका एलसीएम निकालना हो, उसका एलसीएम निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। मैं वो भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलो मैं आपको सबसे पहले इसका डिवीजन मेथड सिखाता हूँ, भाग विधि दिखाता हूँ। कौन सा? सिंपली अगर हमें एलसीएम निकालना, देखो 30 और क्या करेंगे 60 ले लेंगे। चलो इसका हम लोग भाग विधि देखते हैं, पहले करते हैं 2 से, चलो 2 करो क्या होगा 2 से 15 बार में कट जाएगा, ये देखो 2 से कितने बार में कटेगा 30 बार में कट जाएगा। फिर देखते हैं 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है। चलो 3 देख लेते हैं, 3 5 15 और 3 10 क्या 30, फिर किससे कटेगा 5 से कटेगा, चलो 5 से कटाओ, 5 1 5 5 2 10, फिर किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 1 2 2 1 2, फिर आराम से एलसीएम निकाल दो, क्या होगा इसको गुना करते हैं, क्या करते हैं इन सबको गुना कर देते हैं। चलो गुना करो 2 × 3 × 5 × 2, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा इसका एलसीएम, जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा इसका एलसीएम। तो 3 × 6 6 5 30 × 60, क्या मिलेगा 30 × 60, 30 × 60, 30 × 60। ये था आपका पहला तरीका, ये था आपका पहला तरीका। सारे बच्चों को ये तरीका आता है? अगर सारे बच्चों को ये तरीका आता है तो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये तरीका आता है तो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आता है ये तरीका? चलो अब इसका दूसरा तरीका सीखो, ठीक। इसी प्रकार इसका दूसरा तरीका, चलो इसका आप दूसरा तरीका सिखाओ। दूसरा तरीका क्या है? वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन विधि है वो? प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन रूल, अभाज्य गुणनखंड विधि। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, चलो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि है ना। चलो वो क्या होता है? चलो वो होता है गुणनखंड निकालो, जिसमें मान लो 30 का गुणनखंड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? चलो 2 से 15 बार में, फिर देखते हैं 3 से 3 5 15, 5 हो गया, फिर इसको 60 का निकालेंगे, चलो 60 निकाल दो, देखो 2 से 30 × 60, फिर देखेंगे 2 से 15 बार में, फिर देखेंगे 3 से 3 से करते हैं 3 से 5 बार में, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तो हमने सीखा था लेकिन अभी थोड़ा सा भूल गए थे, कोई नहीं मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है। देखो 30 का क्या हो गया 2 × 3 × 5, 60 का क्या हो गया 60 का हो गया 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब मैं आपको इस तरह क्यों लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे किस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं, है ना। देखो तो जो दोनों में एक जैसा होता है उसको लिख लेते हैं। देखो दोनों में क्या है? 2 2 1 जैसा, 1 2 लिख लिया, दोनों में 3 है मैंने 3 भी लिख लिया, दोनों में 5 है मैंने 5 भी लिख लिया, बच्चा जो भी इसके अलावा बच जाते हैं उसको फिर बाद में लिख लेते हैं। इसके अलावा कौन बच गया? इसके अलावा 2 बच गया कि यहाँ पे, उसको भी हम लोग यहाँ पे गुना में लिख देते हैं। तो ये होता है एलसीएम। चलो देख लेते हैं, चलो गुना करो इसको, 3 × 6 6 5 30 × 60, तो देखो इस प्रकार भी कितना आया 60 आ गया।
इस प्रकार में कितना है 60 आ गया। ठीक है, तो ये दो तरीका है। जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो आप लोग इससे भी आसान मेथड सीखना चाहते हैं, अगर आप इससे भी आसान मेथड सीखना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से इजी टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर आप इससे भी आसान मेथड सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में इजी टाइप कर दीजिए। किस प्रकार से निकालना है? इजी टाइप करना है, EASY, मतलब इससे भी इजी मेथड। ठीक है, सीखना चाहते हैं ना? चलो, अगर आपको इससे भी आसान विधि सीखना है तो जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं बोलूंगा, आपको सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना है और एक बार में ही समझ जाना है। ये आप दोनों तो कर इस दोनों तरीके से निकाल ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। वो कौन सा ट्रिक है जिसके हिसाब से आप कर सकते हो? चलो ध्यान से देखना आप अपने स्क्रीन पे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। चलो, तो हमें किसका निकालना? हमें निकालना 30 और 60 का एलसीएम। 30 और 60 का एलसीएम निकालना। किसका निकालना? 30 और 60 का एलसीएम। ध्यान दो, अगर हमें कभी भी किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो, जैसे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60 है, हमें सिंपली क्या करना हो तो ध्यान से सुनना, क्या करना हो तो ध्यान से सुनना, इनमें से जो बड़ा, 30 और 60 में कौन बड़ा है बताएं सर बच्चे, चैट में बताएं सर बच्चे, 30 और 60 में कौन बड़ा है? 30 और 60 में कौन बड़ा है चैट में बताएं सर बच्चे? 60 बड़ा है। जो बड़ा होता है उसका हम लोग पहाड़ा लिख देते। चलो पहाड़ा लिखो, 60 का पहाड़ा लिखो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 त्रिका 180, इतना ही काफी है। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखो, इतना समझ में आ गया? इनमें से जो बड़ा होगा, इनमें से जो बड़ा होगा उसका पहाड़ा, उसका मैंने क्या किया यहाँ पे पहाड़ा लिख दिया, उसका मैंने क्या किया पहाड़ा लिख दिया, किसका? जो उनमें से बड़ा था, 30 60 में जो कौन बड़ा था? 60 का, तो 60 का पहाड़ा लिख दिया। अब रही बात, अब आगे क्या करना है ध्यान से देखो, आगे क्या करना है, जो हमारा पास जो संख्या छोटी थी उनसे देखना है कि इसके पहाड़े में इनमें से कौन आता है। चलो 30 का पहाड़ा लिख दो, 30 का पहाड़ा लिखो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो सबसे पहले 30 के पहाड़ा में आता है 30, क्या यहाँ 60 के पहाड़ा में 30 आया है? नहीं आया, यानी 30 जो हमारा एलसीएम नहीं होगा। लेकिन जैसे हम देखेंगे 30 दूनी 60, तो देखो ये 60 के पहाड़ा में आ रहा है, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। आगे समझ में? तो आपको लग रहा होगा सर ये आप बहुत ही आसान था, एक और प्रश्न करा दो जिसके हिसाब से मैं समझ जाऊं। चलो ध्यान से देखो कि अगर मैं आपसे बोलता कि आप लोग निकालो 4 और 12 का एलसीएम, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? 4 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे बताएंगे सर बच्चे, कितना होगा 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? चार बताएंगे सर बच्चे, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बताएंगे सर बच्चे? तो देखो मैंने बहुत सरल तरीके बताया, जो इनमें से बड़ा, कौन बड़ा है? 12 12, 12 का पहाड़ा लिख लो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौका 35 लिख लिया। चल उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो छोटा वाला है, देखो पहले 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 से देखते हैं, 4 का पहाड़ा लिखते हैं, पहले ध्यान दो, 4 से देखेंगे 12 के पहाड़ा में कौन कट रहा है। देखो 12 का पहाड़ा देखते हैं तो 4 तीन 12, देखो पहला वाला ही कट गया, पहला वाला ही कट गया, यानी बोलेंगे पहला वाला ही इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। पहला वाला क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, जो पहले कट जाएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है सब पहले सब में पहले वाले कट जा रहा है, कोई ऐसा बताए जो जिसमें पहले वाला ना कटे, है ना? तो जैसे कि देखो 3 और 4, चलो बताओ सर बच्चे 3 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम बताओ सर बच्चे, 3 और 4 का एलसीएम बताओ सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 12। बहुत देखो, अब देखो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक, 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा, तो 4 का पहाड़ा लिख दो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16। उसके बाद क्या करना है? जो छोटा वाला है उसमें भाग देके देखो, 3 से पहले भाग दो 4 में क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 3 में भाग दो 8 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 3 में भाग दो 12 से कटेगा? हाँ कट जाएगा। तो 12 क्या हो जाएगा? 12 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 12 ही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना होता है, बहुत ही सरल तरीका है, इनमें से जो भी बड़ा होता है उसका पहाड़ा लिखो, बाकी जो छोटा था उससे देखो वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जिस जो कट गया वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं, ध्यान देंगे। 3 और क्या लेते हैं? चलो 3 मतलब यहाँ पे 3 से बहुत हो गया, 4 ले लो, 4 ले लो और यहाँ पे ले लो 9 ले लो, 4 ले लो और 9 ले लो, बताओ सर बच्चे 4 9 का एलसीएम, 4 9 का एलसीएम कितना होगा?
बहुत बढ़िया, सब सिंपल। 9 का पहला लिखो, 9 का पहला लिखो, 9, 9 दुनिया 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36। और सिंपली क्या करना है, 4 से भाग दो, पहले 4 से देखो 9 में, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 18, 18 कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 27, 27 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 4 से 36 कर जाएगा कितना बार में, 4 नवा 36, यानी कौन सा एलसीएम हो गया इसका, इसका एलसीएम हो गया 36। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक था, और लॉन्ग कट ट्रिक तो आपको आती ही है। आगे समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर देना। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक था, आपको किस प्रकार से एलसीएम निकालनी होती है ना। चलो ट्रिक जान के अच्छा लगा ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में का होमवर्क है आपका, जो कि आपके स्क्रीन पे है, प्रश्नवाली 15.1, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जो कि आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से इस होमवर्क का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहां तक किसी भी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।